गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपको रोड टू हैकर के बारे में बताया कि आप एक हैकर कैसे बन सकते हो, पर आज हम बात करेंगे कुछ कंफ्यूजन्स, कुछ मिथ तो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की। कि आप जानते हैं कि आज भी पब्लिक के मन में हैकर्स को लेके ऐसी छवि है कि ये उन्हें खा जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों को ये तो पता होगा कि एक हैकर आपके डिवाइस में पेनिट्रेट कर सकता है, पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि वो आपको फिजिकली हार्म भी पहुंचा सकता है? चलो ये तो जानते होंगे कि दुनिया की पहली हैकिंग कंप्यूटर के आने से पहले हो गई थी। ये भी नहीं जानते एक हैकर के लिए पासवर्ड हैक करना मजाक समझते हो ना? नहीं भाई ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ये भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये शब्द, ये टर्म हैकर आया कहां से है, सब जानोगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों हैकिंग की एक लॉन्ग हिस्ट्री है। ये शब्द हैकर 1960 में ओरिजिनेट हुआ था एट MIT। उसके बाद ये वर्ड उन इंडिविजुअल्स को बोला जाने लगा जो कंप्यूटर को एक्सप्लोर या मैनिपुलेट करते थे। शुरुआत में हैकिंग वर्ड ऐसे लोगों से एसोसिएट किया जाता था जिनके अंदर कंप्यूटर्स की बाउंड्रीज को पुश करने की डिजायर होती थी। ये कुछ एंथुजियास्टिक लोग होते थे जो एक इनोवेटिव वे में सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे और उनका सॉल्यूशन निकालने का काम करते थे। पर बाद में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ जब नेटवर्क इंटरकनेक्टेड हो गए तब कुछ लोगों ने अपनी ये स्किल्स मालिशियस पर्पसेस में यूज करनी शुरू कर दी, जिन्हें बाद में ब्लैक हैट हैकर्स बोला जाने लगा। गाइस दुनिया के डिफरेंट हैकर्स के बारे में तो आपने सुना होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि सारे हैकर्स की मोटिवेशन कभी सेम नहीं होती? कुछ लोग सीरियस वे में पैसे कमाने के लिए हैकर बनते हैं, पर ये सारे एक से नहीं होते। इस फील्ड में ऐसे भी कई लोग भरे पड़े हैं जिनको आता तो बहुत कुछ है, करने के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर उनके अंदर एक कीड़ा होता है, वो उसको पूरा करने के लिए यहाँ थे। वो अपनी स्किल्स को कमर्शियल बेसिस पे यूज नहीं करते, बस अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को पूरा करते हैं, उन्हें इसी में मजा आता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड, दोस्त या अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए इस फील्ड में आते हैं, या किसी पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए। पर क्योंकि सब एक से नहीं होते, तो जो लोग ये बोलते हैं कि हैकर्स बुरे होते हैं वो गलत है। कुछ लोगों को लगता है कि हैकिंग इलीगल है, इसे सिर्फ पुलिस या साइबर क्राइम ब्रांच वाले ही परफॉर्म करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप किसी से पूछ के उसकी परमिशन के तहत अगर हैकिंग करते भी हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फ्रीलांसर्स भी हैकिंग करते हैं, इनफैक्ट बहुत सी कंपनीज हैकर्स को खुद से अपनी वेबसाइट्स में लूपहोल ढूंढने के लिए या उसका पोटेंशियल चेक करने के लिए हैकिंग करवाती है। तो ये बात भी गलत है कि एक आम आदमी के लिए हैकिंग इलीगल है। लोगों को लगता है कि आप हैकिंग से सिर्फ सॉफ्टवेयर बर्बाद कर सकते हो, नहीं भाई, आप एक हैकर बनके दूसरे देश की पूरी पावर ग्रिड को भी फेल कर सकते हो, इंटरनेट से चलने वाली मशीन्स को बर्बाद कर सकते हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल हमें 2 साल पहले ही देखने को मिला है, जब इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो कि अंडरग्राउंड थी उस पर साइबर अटैक किया, जिसकी वजह से वहां घंटों के लिए बत्ती गुल हो गई। दरअसल ईरान वहां न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम कर रहा था और पावर आउटेज की वजह से वहां आग लग गई, वहां मौजूद साइंटिस्ट इंजर्ड हो गए और ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम सालों पीछे चला। क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का पहला हैकिंग अटैक कंप्यूटर के आने से पहले हो गया था? टेलीफोन के इन्वेंशन के ठीक 2 साल बाद कुछ MIT के स्टूडेंट्स फ्री कॉल करने के लिए टेलीफोन की लाइन को स्विच करने लगे और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो बाद में पहली हैकिंग कहलाएगी। कई लोग बोलते हैं कि AI के आने के बाद कोडर्स की जॉब चली जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। AI इंसानी दिमाग क्या क्या अभी तो नहीं टिक सकता। हैकिंग एक ऐसी फील्ड है जो इवॉल्व करती रही है और करती रहेगी। ये एक ऑनगोइंग बैटल है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक हैकर के लिए किसी भी ID का पासवर्ड निकालना चुटकी बजाने जैसा है, बस कंप्यूटर में ऐसे ऐसे करना है और पासवर्ड आपके सामने है, जबकि ऐसा नहीं है। एक छोटा सा पासवर्ड निकालने के लिए हैकर्स को बहुत सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज निकालना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए टारगेट को मैनिपुलेट करना, फिशिंग करना और ब्रूट फोर्स जैसे अलग अलग अटैक्स परफॉर्म करने के बाद कुछ हो पाता है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि पासवर्ड हैक हो जाएगा। इसीलिए इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दो कि एक पासवर्ड हैक करना एक हैकर के लिए भी बच्चों का खेल है। अगर जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों, अगर चाहते हो कि पासवर्ड हैकिंग पे एक पूरी वीडियो बने तो कमेंट्स में बताओ, मुझे भी मजा आएगा। क्यों आपका पासवर्ड हैक हो जाता है, क्या कारण है जो आपकी सिक्योरिटी इतनी कमजोर है? अगर चाहते हो कि इस पे पूरी वीडियो बनाई जाए तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।